तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, वन गेम प्रो चैंपियनशिप के चैंपियंस बन गए हैं टीम सोल। नंबर टू पर आए हैं टीम गॉडलाइक एंड नंबर थ्री पर आए हैं टीम एंटिटी। एंड अब ये सेम टूर्नामेंट में गाइस कुछ और स्टैट्स के रिलेटेड बात करते हैं। तो फिनिशर्स की बात करें तो गाइस एमवीपी बने हैं सवितार विद 53 फिनिशेस, देन नंबर टू पर है जोनाथन विद 52 फिनिशेस, नंबर थ्री पर है एस पावर अगेन विद 52 फिनिशेस, एंड नंबर फोर पर है सोमराज विद 45 फिनिशेस। इसके बाद आती है गाइस फैन फेवरेट टीम एंड फैन फेवरेट प्लेयर के रिलेटेड, यहाँ पर आप लोग वोट कर सकते थे। तो गाइस फैन फेवरेट टीम बनी है टीम गॉडलाइक एंड फैन फेवरेट प्लेयर बने हैं जोनाथन। एंड अगर ओवरऑल स्टैंडिंग की बात करें तो गाइस वो भी आप स्क्रीन पोज करके पढ़ सकते हो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से 71% लोग सब्सक्राइब करना ही भूल रखे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक है गाइस, ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर देना, हम काफी करीब है 1 लाख फैमिली के भी। बट इसके बाद गाइस हमको एंटिटी पुकार की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली, बेसिकली जहाँ पर गेम के अंदर वो मूव नहीं कर पा रहे थे एंड सामने वाले टीम के प्लेयर उनको फिनिश कर देते हैं। इस पर पुकार ये लिखे थे व्हेन यू आर हैविंग अ बैड डे। एंड फिर ये सेम चीज को शेयर करते हुए गाइस सोमराज ये लिखे होपफुली क्राफ्टन विल फिक्स दिस सर्वर इशू। तो क्या एग्जैक्टली ये एक सर्वर इशू था या फिर उनका इंटरनेट इशू था, उसके रिलेटेड गाइस सोलोमन रिएक्ट किए एंड वो कंफर्म भी किए एस पावर से कि क्या गेम के अंदर कोई सर्वर इशू आया था। आप देखिए, नहीं हुआ गाइस, नहीं था सर्वर लैग, नहीं था कंफर्म। मैसेज की आवाज भी आ ही रही होगी आपको शायद पीछे से, दिखाऊंगा नहीं। सर्वर तो फिर सबका जाता है। एक्जैक्टली मैं वही तो बोला, विनगॉड के बंदे ने मारा है ना, तो इसका मतलब सर्वर नहीं था, सर्वर लैग नहीं था। इजी, अगर मतलब फिर तो मतलब फेयर फाइट, फिर तो शायद मे भी अगर रीमैच हो जाता अगर सर्वर लैग था, तो सर्वर लैग नहीं था। नकुल ऑफ क्यों हुआ था, आई डोंट नो, नकुल यहाँ पे नहीं है शायद, नकुल का नहीं पता मेरे को, बट सर्वर लैग नहीं था ये कन्फर्म हो गया। नहीं था रे बाबा, नहीं था, अभी कंफर्म कर लिया गया है इस पावर से। एंड इसके बाद गाइस हमको टीम गॉडलाइक के प्लेयर एडमिनो का एक इंटरव्यू देखने को मिला था एंड वहां पर वो रिवील किया क्या मैचेस के अंदर गॉडलाइक को टारगेट किया गया था। एंड साथ ही में गाइस वो काफी सारी चीज के रिलेटेड बात किए लाइक टीम सिनर्जी, रोटेशन, क्या टीम के अंदर कोई रोल चेंज हुआ है। एंड साथ ही में उन्होंने फैंस के लिए एक मैसेज भी दिया, आप देखिए। बट टारगेट वाला भी थोड़ा सीन था, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं लग रहा क्योंकि जीतना था हमें, हमने बहुत से मैचेस थ्रो भी किए। बट अभी नया नया सिनर्जी बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा बट श्योरली अपन हैशटैग वन जरूर आएंगे। रोटेशन का पार्ट में देख रहा था जहाँ पे आप लोग कंप्लीट सदर्न साइड से नॉर्दर्न साइड गए और नॉर्दर्न साइड से वो हार्डशिप सदर्न साइड चला गया, मतलब आपसे बिल्कुल अपोजिट। तो रिएक्शन क्या था टीम के अंदर, उसे कैसे आप लोग सोच रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे तो मजा आएगा। जब हमने सनोकोला थोड़ा थ्रो कर दिया था उसके बाद से हम लोग मतलब ईजी ले रहे थे फिर, क्योंकि हमें मतलब ऐसा था कि अगर अपन हाई किल चिकन लेंगे तभी कुछ होगा। बट टारगेट वाला भी थोड़ा सीन था, लेकिन सब कोप अप हो जाएगा, थोड़ा धीमे धीमे ही खौफ बनेगा सबका, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट श्योरली। परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा बदलाव आया कुछ दिनों में, पहले दिन से अभी तक में, तो जानना चाहूंगा क्या कोई रोल में बदलाव हुआ है गेम के अंदर या फिर वही स्टाइल है बस तरीका थोड़ा बदला गया। नहीं, हमने सेम ही खेला है, बस थोड़ी बहुत चोक्स होते रहते हैं, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बीच बीच में, तो वो चोक हो रहे थे, अब वो एक्सपेरिमेंट से ही सीखेंगे। रोल तो सबके सेम है सर, रोल वाला कोई सीन नहीं है। हम यही बोलेंगे कि थोड़ा सा टाइम और चाहिए, थोड़ा सा ये BGS शायद से हम आपको थोड़ा और कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हुए देखें। एंड गाइस इसके बाद हमको टीम सोल का एक इंटरव्यू देखने को मिला, वो भी काफी सारी चीज के रिलेटेड बात की, लाइक काफी टाइम बाद फाइनली टीम सोल हैशटैग वन आई है। एंड साथ में गाइस वो बात किए सैनोक के मैप पर ड्रो फाइट के रिलेटेड विद टीम रेवेनेंट, जिसके बारे में कल की वीडियो में मैंने कवर किया था। एंड देन उन्होंने भी अपने फैंस के लिए कुछ मैसेज दिया, आप देखिए। लग तो बढ़िया ही रहा है, बस वही है क्योंकि थोड़े पिछले टूर्नामेंट्स में चोक हो रहा था, वो इस टूर्नामेंट नहीं हुआ, बस मोमेंटम फ्लो कैरी कर रहे हैं अभी, अभी BGS में देखना बस पारेंगे पूरा। जाना चाहूंगा ड्रॉप में कभी कई बार आप थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहे हो, जैसे सनॉक में अगर बात करें तो रेवरेंट क्या आप आसपास गए थे कल के डे में, तो क्या थिंकिंग थी टीम सोल के उस टाइम? आप खुद देखो, लाइक अगर कोई टीम हैशटैग वन चली और सेकंड चली उसमें पॉइंट डिफरेंस नहीं है और लाइक हम उनको मार सकते हैं जाकर उनके ड्रॉप पे, तो ऑफ कोर्स भाई वो जाएगी नंबर वन टीम, सेकंड टीम को मारने कंपटीशन तो खत्म करेंगी, बस वही वो का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमको लगा भी हम रेवेनेंट को मार सकते हैं, हमने जाके मारा उनको। कुछ नहीं गाइस, बस सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही आपको पूरा खुश करते रहेंगे हम, BGS भी अपना ये टेंशन मत लो, कहीं नहीं जाने देंगे ट्रॉफी। तो यार गाइस मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम एंड काफी सारी टीम्स का अब हमको कमबैक भी देखने को मिल गया है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है मवी की तरफ से। तो गाइस आज हमको ग्लोबल ई स्पोर्ट के 3 प्लेयर ही खेलते हुए दिखे थे, जिस पर रिएक्ट करते हुए मवी ये कहे, भाई टीम थ्री मैन क्यों खेल रही है अर्किंग प्लेयर? गाइस वो थ्री मैन इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने जो डिसाइड किया और कुछ हमने अंदर अपने अंदर प्लानिंग्स की हैं, इंटरनल प्लानिंग, तो यस दैट्स व्हाट इट इज। अर्किंग इज देयर फॉर BGS प्रैक्टिस, हम लोगों ने कुछ एक XYZ प्लान बनाया वो कर रहे हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कार्निवल गेमिंग अक्षत के रिलेटेड। एज यू नो गाइस हमको अक्षत खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो वो चीज के रिलेटेड मेजी रिगेट किए क्या उनको बेंच कर दिया गया है, आप देखिए। CG का कुछ चांस है CG को, यार पता नहीं मुझे सच में नहीं समझ में आता कि अक्षत जैसा प्लेयर
मैं सच्ची बताऊं ना, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि अक्षत जैसा प्लेयर बेंच होगा और उसकी जगह पे कोई और खेल रहा होगा. नो डाउट उनको ये हिसाब से वो उनकी प्लेइंग फोर उनको अच्छी लगती है, पर अक्षत का फॉर्म उनकी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों नहीं हुए या क्या हुआ. वो तो आखिरी मैच में चिकन डिनर आ गया इसलिए ये भी बच गए. बैक टू बैक जोन उनके ऊपर बना और वो लोग अच्छा खेल गए, फिनिशेस निकाले, 29 मारे, नहीं तो ये भी बहुत पीछे होते हैं. और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई इन गेम क्वालिफायर्स के रिलेटेड कुछ एफएक्यूज. तो इसमें मैचेस कैसे इवैल्यूएट होने वाले हैं, बेसिकली अपने टॉप 4 प्लेयर्स के साथ में आपको 15 मैचेस खेलने हैं जिसमें से टॉप 10 मैचेस काउंट होंगे. एंड ये 15 मैचेस गाइस आप इरेंगल, मीरामार, सैनोग एंड विकेंडी के मैप्स पर खेल सकते हो अप्रैल 15 से अप्रैल 21 के बीच में. एंड क्या प्लेयर्स इन गेम क्वालिफायर्स के दौरान अपने स्क्वाड को चेंज कर सकते हैं, इस पर क्राफ्टन ये लिखे नो मॉडिफिकेशंस आर अलाउड. केवल वो टॉप 4 प्लेयर जिनके साथ में आपने रजिस्टर किया है आप उन्हीं के साथ में खेल सकते हो. और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टीम सोल के प्लेयर नकुल की तरफ से. उन्होंने बात की गाइस मोर अपॉर्चुनिटीज एंड उनकी टीम की कंसिस्टेंसी के रिलेटेड. आप देखिए एंड गाइज अभी हम इन गेम क्वालिफायर्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गॉड लाइक लोल्स की तरफ से. प्रीवियस वीडियो में गाइज मैंने आपको बताया था कि वो अपने स्क्वाड के साथ में इन गेम क्वालिफायर से आना चाहते हैं, तो अपने मैचेस के रिलेटेड गाइज वो अपडेट दिए. आप देखिए इन गेम क्वालिफायर्स का क्या सीन. हाँ, हम लोगों ने 4 मैचेस खेले इन गेम क्वालिफायर्स के. अगर मैं तुमको एग्जैक्टली बताऊ हमने कितने कितने चिकन और क्या लिया. फर्स्ट मैच में हमने चिकन लिया 31 किल्स, सेकेंड मैच हमने हक दिया था वेस्ट टैग 9 और कुछ 12-13 किल्स से. थर्ड मैच 36 किल्स चिकन आया, फोर्थ मैच 35 किल्स चिकन आया, तो ऑल ओवर 34 की एवरेज चल रही है. अभी अपने को और 7 चिकन डिनर चाहिए, तो अगर वो अच्छे से गए 7 चिकन डिनर्स आ गए तो क्वालिफाई हो जाएंगे अपन, इन गेम क्वालिफायर्स निकल जाएगा अपना. और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है डायनेमो की तरफ से. तो गाइस काफी बार काफी लोग उनसे कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड पूछते रहते हैं जिसके रिलेटेड वो अगेन रिएक्ट किए. आप देखिए करो भाई बढ़िया कंटेंट चैलेंज टाइप वीडियो लाओ हाइड्रा का. नमन भाई मैं मेरे घर पे अकेला रहता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, बैठ जाता हूँ चेयर पे ऐसी और भूतों के साथ बना लेता हूँ बढ़िया से कंटेंट चैलेंज वाला मस्त सा है ना. मतलब देखो जितना सेंस मेरी बातों में उतना ही सेंस आपकी बातों में भी है, समझ रहे हो? जीरो. जब हम सारे एक साथ आएंगे ऑब्वियसली बातें बनाएंगे, ऑब्वियसली बात. उसके लिए सारे एक साथ चाहिए, मतलब जैसे मैं ट्रैवल करके जैसे कभी जा रहा हूँ सारे बंदे एक साथ आ गए हैं तो लाइक बन गया उस टाइम पे बन गया राइट यार. ठीक है मतलब कोई बात नहीं, आपकी बात सर आप हो गए भाई, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करेंगे. और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से. तो गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप स्काउट से जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हो किसके रिलेटेड आपको रील देखनी है, तो उसके बारे में गाइस वो बात किए फ्यूचर में क्या वीडियोस आने वाली हैं. आप देखिए भाई ये सारे चीज मुझे समझ आ रहे हैं, जो भी सारी सॉल्यूशंस चाहिए आप लोग को सारी दिक्कत की भाई, बट भाई ये ना हो पाएगा और एनीवेज मैंने सारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है, सारे आपके डाउट्स अच्छे से पढ़ लिए यहाँ पे जितने भी सब चीज़ें हैं. आप टेंशन मत लो, आज के वीडियो में ये सारी चीज़ों का बेसिक स्टेप्स से हम स्टार्ट करेंगे आपको ई स्पोर्ट्स में एंट्री कैसे करनी है. सो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है 4 बजे. सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो ध्यान से पढ़ना क्योंकि आपके जितने सारे डाउट्स है इधर जितने सारे डाउट्स है हर चीज़ का हम थोड़ी थोड़ी चीज़ बात करेंगे. और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है मॉर्टल की तरफ से. तो गाइस किसी ने उनको लिखा गेम इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड जिस पर वो बात किए. आप देखिए आपका गेम कब इम्प्रूव होगा ब्रो? भाई हम कुछ और इम्प्रूव कर रहे हैं लाइफ में, बड़ी गेम इम्प्रूव धीरे धीरे हो जाएगा अपने आप, ताकि अपना फोकस कुछ और इम्प्रूव करने में टेंशन ना लो. गेम तो बहुत आसानी से इम्प्रूव हो जाएगा, मैं तो सोच रहा हूँ यही. और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है प्राइस पूल्स के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है सोलमन की तरफ से. तो गाइस वो बात किए प्राइस पूल वर्सेस अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड. एग्जैक्टली वो ये कहे प्राइस पूल तो यार देखना पड़ेगा, प्राइस पूल का मुझे पता नहीं आजकल के टाइम पे प्राइस पूल. देखो हमारे प्लेयर्स को तो आजकल प्राइस पूल से इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, प्राइस पूल के लिए अब नहीं खेलते लोग, एटलीस्ट टी1 ऑल्स तो नहीं खेलती है मेरे को ऐसा लगता है. जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटी और सैलरी है ना और सब कुछ मिलता है, ब्रांड्स वगैरह मिलते हैं, आई डोंट थिंक आज के टाइम पे कोई प्राइस पूल के लिए खेलता है. आधी टीम से ये बोले कि प्राइस पूल ले जाओ हैशटैग वन दे दो हमको, अनलेस 1 करोड़ ऐसा कुछ बड़ा प्राइस पूल हो तो बात अलग है. आई थिंक वो इतना बड़ा भी टूर्नामेंट नहीं था से 1 करोड़ जितना प्राइस पूल है, पर देखना पड़ेगा.
और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGS वीक 3 के रिलेटेड। तो गाइस फाइनली यहाँ से शुरू हो चुका है ना, आज हमको काफी सारे टीम्स के मैचेस देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग एंटिटी एंड टीम सोल। एंड यही चीज गेटेड हमको सम्राट की तरफ से एक स्टोरी भी देखने को मिली थी, बेसिकली जहाँ पर उनके कोच ड्रॉप्स को शेयर किए थे। इस पर रिएक्ट करते हुए सोमराज ये लिखे, आज हमारे मैचेस हैं विशेष गुड लक। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नॉटविन के एक इवेंट के रिलेटेड वैलोरेंट चैलेंजर्स। तो गाइस कल कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से मैचेस हमको नहीं देखने को मिले थे। एंड फिर इस पर एक नोटिस को पब्लिश करते हुए नॉटविन ये लिखे, ये मैचेस को रिशेड्यूल कर दिया गया है 30th अप्रैल के लिए। तो यहाँ इफ यू वर कंफ्यूज कि आज मैचेस क्यों नहीं हुए हैं, नाउ यू नो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग एक काफी शॉकिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं, ये अपडेट निकल कर आती है दुबई की तरफ से। तो गाइस एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुबई ने ट्राई की थी एक आर्टिफिशियल रेन, जिसकी वजह से गाइस इतनी सारी बारिश हो गई कि वहां पर फ्लड भी आ गई। एंड गाइस ये बोला जा रहा है जितनी भी बारिश दुबई में 2 साल में होती है वो केवल एक ही दिन में हो गई है। उसके रिलेटेड कुछ फोटोज को आप अभी स्क्रीन पर देख भी सकते हो एंड एग्जैक्टली किस तरीके से बारिश आई है आप एक क्लिप भी देख सकते हो उसके रिलेटेड। तो यहाँ गाइस आई थिंक दिस इज अनदर एग्जांपल कि हमको नेचर के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आई होप जितने लोग भी दुबई में हैं वो सब सेफ होंगे। तो बस गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।